सो हेलो गाइस, सो आप लोग देख सकते हैं इसका जो रियर व्हील है कितना जाम है। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये देखिए। ओके, मैं इतना जोर लगा रहा हूँ उसके बाद ये घूम रहा है। हाँ, ओके। तो ये थंडरबर्ड 350 में ऐसा हुआ है। तो आपका जो रियर डिस्क ब्रेक है जिस भी बाइक में, उस भी बाइक में ऐसा हो सकता है। ओके, तो काम एक ही है। तो ये देखिए, इसका एक इसलिए हो रहा है, यहाँ पे जो डिस्क का जो कीड होता है, ओके, वो जाम हो गया है अंदर का अंदर, वो खराब हो गया है। तो हम इसको सही करने वाले हैं, चेंज नहीं करेंगे। ओके, इसका ये बहुत ज़्यादा कीमत है इसका, तो चेंज नहीं करेंगे। तो ये देखिए, इसके बाद ये देखिए, ये नई फ्री आपका जो फ्री प्ले होता है, तो ये स्प्रिंग का होता है एटा, ये नहीं है इसके लिए ऐसा जाम नहीं हो रहा है। तो ये देखिए, यहाँ से शुरू होते हैं ब्रेक, और ये देखिए, देख सकते हैं अब इसका जो कीट है वो अंदर फ्री प्ले करता है, तो ऐसा नहीं हो रहा है, वो अंदर जाके बैठा है। ओके, वो फ्री प्ले नहीं हो रहा है। तो हम लोग इसको सही करेंगे, दिखाएंगे। तो वीडियो को बने रहे, वीडियो को पूरा देखें। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आप देखिए, ये देखिए, यहाँ पे जो 10 mm का जो बोल्ट है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये 10 mm बोल्ट को खोल के यहाँ पे निकाल लेता हूँ। चलो 10 नंबर। तो फ्रेंड्स, ये आपका बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, आपका जो माइलेज वो कम हो जाता है, आपका बाइक भी सही ढंग से नहीं चलती। ओके, इंजन ओवरहीटिंग होता है, तो इस कारण से भी आपका इंजन ओवरहीट होता है। ओके, तो देखिए, यहाँ पे भी एक 12 mm का जो बोल्ट है वो भी खोल लेंगे, और ये देखिए, ये दोनों 10 mm का बोल्ट, ये दोनों खोल लेंगे पूरा किट। ये देखिए, इस तरह से बाहर ले आएंगे, या जहाँ तो मिट्टी है इसको वॉश कर लेंगे हम। तो आप लोग देख सकते हैं, ये इसका जो डिस्क का जो किट है, ये पूरा उनका किट हम नीचे से इधर ऊपर कर लिया है इस तरह से, और अच्छी तरह से क्लीन कर लिया। तुम क्लीन करो। ओके, अच्छी तरह से क्लीन कर लेना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिट्टी थी, अच्छी तरह से क्लीन कर लिया। उसके बाद क्या करना होगा फ्रेंड्स, आपको दिखाता हूँ, एकदम इजी ट्रिक्स आपको बता देता हूँ, कोई खर्च नहीं होगा। ओके, अगर आप ये कर सकते हैं तो आपका पैसा ही बच जाएगा। ओके, तो देखिए, यहाँ पे कितना सारा मेल मिट्टी जम गया, इसको अच्छी तरह वॉश कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक लॉक रहता है, देखिए, ये लॉक को खोलेंगे और यहाँ के अंदर जो कीट है वो बाहर निकालेंगे। तो ये देखिए, ये हमारे यहाँ पे लॉक प्लस कहते हैं, तो इस लॉक प्लस के माध्यम से यहाँ पे जो लॉक है तो हम खोल लेंगे। ये देखिए, देखिए कितना जाम है। तो ये जाम के कारण आपका डिस्क जाम होता है। ओके, तो इसका हुआ क्या है, आप देखिए, ये देखिए, ये इसमें भी आपका जो डिस्क ऑयल होते हैं .3, उस ऑयल में भी कुछ कचरा आ जाता है, तो इसलिए सब होता है। तो फ्रेंड्स, क्या करूँगा, इससे भी अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगा पेट्रोल से। ओके, उसके साथ साथ देखिए, यहाँ इसके अंदर कितना कचरा जम गया है, देखिए, तो ये सारे क्लीन कर लेंगे, और कुछ नहीं, ये भी क्लीन कर लेंगे और बिस्किट भी क्लीन कर लेंगे, और फिर लगा के देखते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बात ध्यान रहे, आपको ये क्लीन करने के वक्त आप ये जो देख रहे हैं, ये नीचे इस तरह से गिर जाएंगे, तो इसका जो इसके अंदर जो ऑयल है, ओके, ये ऑयल आपका काफ़ी सारा ऑयल नीचे निकल जाएगा, तो आपका इसका जो ब्रेक जो आपका सही करने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, टाइम लग जाएगा। तो इसलिए मैंने आपको इजी ट्रिक बताया है, वो हम लोग इसमें एक्सपर्ट है, तो हम कर सकते हैं, क्योंकि आप जो करेंगे इसलिए आपको बता देते हैं। तो यह आपका जो इंजन इसका तो सॉरी इसका .3 जो ऑयल है, ये ऑयल निकलना नहीं चाहिए। ओके, ये देखिए, यहाँ का जो इसका जो इसमें कचरा जो आ गया, ये आपका अच्छी तरह से क्लीन कर लीजिए, विदाउट ये नीचे ना गिरे। ओके,
एक इसमें ना गिरे, ऐसा ऐसा करके ये सीधा होना चाहिए। सीधा होंगे, सीधा होने के बाद इस तरह से आप किट को लगा देंगे, लगा देने के बाद फिर इंस्टॉल करेंगे तो आपका डिश दिक्कत नहीं होगा, दो एक बार पंप करने में ठीक हो जाएगा। तो चलिए हम इसको क्लीन करके किस तरह से फिटिंग्स करते हैं आपको सब कुछ दिखाता है दिखाऊंगा, वीडियो को बने रहे। और एक बात आपको बोलना भूल गया, ये देखिए यहाँ पे जो स्प्रिंग होते हैं इस स्प्रिंग को थोड़ा हाई कर दीजिए, ओके। ये देखिए इस तरह से थोड़ा ज़्यादा नहीं हल्का इसका हाई कर दीजिए, ओके। ये काम हो गया, इसको क्लीन करने के बाद आप क्या करेंगे, थोड़ा डिश ऑयल देके इसको स्लिपिंग कर लेंगे इस तरह से। थोड़ा आपको ग्रीस या इंजन ऑयल कुछ भी नहीं देना है, ओके। ये देंगे तो आपका जो ये किट है ये किट खराब हो जाएगा, ये रबर किट। तो ध्यान रहे आपको ये लुब्रिकेट करने के लिए आपको DE3 ऑयल जो है वही यूज करेंगे, ओके। तो देखिए इसमें इस तरह से थोड़ा सा घुमा दीजिए थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स मैंने ये जो किट लगा दिया और इसका जो लॉक की सेटिंग कर दिया, अब इसको इसको डाबर से अब इसको इस तरह से आपको देख लीजिए ये रिटर्न आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये देखिए ये जो इसका किट जो अंदर जा रहा है और इसमें इस तरह से रिटर्न आ रहा है, तो ये रिटर्न आना जरूरी है। तो इसलिए मैं स्प्रिंग को कर दिया हाई, इसको कर लिया सब कुछ क्लीन। तो चलिए आपको इसको मैंने इसका जो आपका जो एयर ब्लीडिंग करते हैं इसका जो हवा निकलता है तो वो कुछ भी नहीं किया। तो क्यों नहीं किया, तो फ्रेंड्स ये जब मैंने ये ऊपर करके जो मैंने इसको जो काम किया तो इसलिए एक्स्ट्रा कुछ आपका नहीं करना पड़ा, नहीं तो आपका बहुत मेहनत होती ये ट्रिक में आपका ब्रेक लगाने में, ओके। तो ये शॉर्ट ट्रिक काम हो गया। चलिए आपको लगा के आपका ब्रेक सब कुछ चेक करके आपको दिखाता हूँ, ओके। और पहले जो रियर व्हील जैम था वो भी आपको दिखाता हूँ कि अब जैम है कि नहीं है। तो चलिए किट को मैंने लगा दिया, अब ये देखिए ये ब्रेक यहाँ से शुरू होता है ब्रेक, ये देखिए ये हमारा ए रिटर्न आ गया, ओके। ये देखिए देख सकते हैं रिटर्न आता है, ओके। पहले रिटर्न नहीं आता था, अब अच्छी तरह से रिटर्न आ रहा है। तो चलिए आपको व्हील को भी दिखाता हूँ फ्री हुआ कि नहीं हुआ है, गाड़ी को फुल स्टैंड हो। तो अब देखिए फ्रेंड्स, ओके काम हो गया। पहले कितना मेहनत लगी थी इसका जो रियर व्हील वो घुमाने में, आप देखिए एकदम फ्री हो गया अच्छी तरह से, ओके। तो फ्रेंड्स आशा करते वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।